जय हिंद एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जैसे कि पहले हम लोगों ने पढ़ा है इससे पहले के लेक्चर में कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपली है भाई कि एक अमाइनो एसिड दूसरे के द्वारा पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा है, फिर दूसरा तीसरे से जुड़ा है एंड एक जो है स्ट्रेट चेन बनती है, ठीक है ना, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट होने की वजह से। तो जो हम लोगों ने पेप्टाइड बॉन्ड के लेक्चर में देखा है कि कैसे अमाइनो एसिड आपस में कनेक्ट होते हैं और उससे प्राइमरी स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। लेकिन आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोगों ने रामाचंद्रन प्लाट भी थोड़ा सा डिस्कस किया है, जहाँ हम लोगों ने साई बॉन्ड और फाई बॉन्ड रोटेशन की बात करी है। लेकिन आपके क्लास के लेवल पे हमको यहाँ पे ये देखना है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जैसे रामाचंद्रन ने बताया था, जैसे रामाचंद्रन प्लॉट यहाँ पे देखिए दिखाया गया है। तो रामाचंद्रन प्लॉट में क्या था कि आपको ऐसे फोर कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, है ना, ये प्लस फाइव बॉन्ड है, ये माइनस फाइव बॉन्ड है, ये प्लस फाइव बॉन्ड है और ये माइनस फाइव बॉन्ड है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि रामाचंद्रन ने क्या बताया था कि फॉरबिडन रोटेशन कितना पॉसिबल है। दो अमाइनो एसिड लेते थे और उसमें साई और पाई बॉन्ड, दो तीन अमाइनो एसिड को जोड़ के उन्होंने क्या किया, बॉन्ड एंगल कैलकुलेट किया कि कितना पॉसिबल जो है फाई और साई बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल है। उसके बेसिस पे रामाचंद्रन ने क्या बताया कि देयर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पॉसिबल, है ना। कोई भी प्रोटीन हो, चाहे वो प्लांट की हो, एनिमल की हो, फंजाई की हो, किसी भी जगह की, वहाँ पे दो ही तरह के स्ट्रक्चर आपके पॉसिबल है। कौन कौन से? एक को उन्होंने कहा अल्फा हेलिक्स, दूसरे को कहा बीटा प्लीटेड सीट, ठीक है। तो ये तो हो गया थियोरेटिकल एक एस्पेक्ट। जैसे मेंडल को भी नहीं पता था कि जीन क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं, एलील्स क्या होते हैं, लेकिन उसने एक रूल प्रपोज किया। उसी तरह से रामाचंद्रन ने भी काम किया और रामाचंद्रन ने बताया कि कोई भी दुनिया की प्रोटीन, ठीक है, फंजाई में हो, बैक्टीरिया में हो, कहीं पे भी हो, ठीक है, उसमें दो ही तरह के स्ट्रक्चर पॉसिबल है। वन इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर पॉसिबल है, वन इज अल्फा हेलिक्स एंड अदर इज बीटा प्लेट। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है भाई? प्रोटीन तो बहुत बड़ी सी है ना, उसके थोड़े थोड़े सेगमेंट में कुछ स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोल रहे हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये तो रामाचंद्रन वाली बात समझ में आ गई कि भाई इन्होंने मैथमेटिकली कैलकुलेट करके बताया। वही चीज बाद में जब ही साइंस में आप कोई एक्सपेरिमेंटली किसी चीज को प्रूफ नहीं करते हैं तब तक तो वो बात मानी नहीं जाती है। तो एक साइंटिस्ट हुए, उनका नाम है लिनस पॉलिन और कोरी वही है ना। तो लिनस पॉलिंग और कोरी वो स्टडी कर रहे थे कि जो स्ट्रक्चर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो रामाचंद्रन ने प्रपोज किया था वो क्या हो सकते हैं और उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, कितना एंगल होगा, क्या बॉन्ड लेंथ होगा, क्या इसे स्टेबलाइज होगा। मेन पर्पस था स्टेबलाइजेशन, कि ऐसा स्ट्रक्चर हो जो कि स्टेबलाइज हो, ठीक है ना। तो लिनस पॉलिंग और कोरी उस पर काम करे तो उनको एक डेटा मिला, विलियम अस्तगुरी का। आप जानते हैं एक गांव में हम लोगों के एनिमल कभी कभी रात में दिखाई देता है, साही जिसको बोलते हैं, है ना, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, उसको पॉर्क्यूपाइन भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो पॉर्क्यूपाइन का उन्होंने क्विल लिया, है ना, क्विल जो फेदर होता है वो लिया और उसको जो है उन्होंने एक्सरे स्ट्रक्चर देखा। एक्सरे स्ट्रक्चर देखा तो उन्होंने देखा कि उसके जो लेंथ है पूरी, जो फाइबर था उसकी जो लेंथ थी, उसमें कुछ कुछ डिस्टेंस पे कोई चीज रिपीट हो रही थी, है ना, कोई चीज रिपीट हो रही थी। जैसे ये देखिए, उन्होंने क्या देखा कि एक स्ट्रक्चर उनको मिला तो उसमें ये 1.5.1 से 5.2 एंगस्ट्रॉम का कोई स्ट्रक्चर था जो रिपीट हो रहा था। तो ये तो बड़ा अच्छा हो गया किसके लिए, पॉलिंग और की अल्फा। ऐसा हुआ कि कोई चीज है जो 5.1 या 5.2 एंगस्ट्रॉम की है जो रिपीट, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो
पॉलिंग साहब थे उनका जो है हेल्थ अच्छा नहीं था, तो उन्होंने कुछ दिन वो लैब नहीं आए और इसके बाद वो उन्होंने इंस्टीट्यूट को छोड़ दिया। फिर क्या हुआ कि कोरी और हरमन दो साइंटिस्ट, इन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया और स्टडी किया। बाय द टाइम हरमन और कोरी का क्या कहना था कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, मतलब वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, तो उसको ही हम लोग मानेंगे, ठीक है। तो फिर पॉलिंग साहब आए और जो है कोरी के साथ फिर उन्होंने इस स्ट्रक्चर को प्रपोर्ट किया जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा हेलिक्स, ठीक है। तो ये तो रही अल्फा हेलिक्स की स्टोरी। अब देख लेते हैं कि अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई। तो देखिए अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोगों ने एक रफ डायग्राम बनाया है। ये देखिए आप, ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है ये एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, स्प्रिंग लाइक। लेकिन अब आप इस जो प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको हमने बताया था उसमें बताया था कि एक एन टर्मिनल होता है और एक सी टर्मिनल होता है, तो आप किस तरफ से स्टार्ट करेंगे इसको, है ना। तो ध्यान से देखना है कि जो सी टर्मिनल है उसको हमको पकड़ लेना है, ठीक है। सपोज करिए ये आपका राइट हैंड है, राइट हैंड। अब ये फिंगर आपका कौन सा है, सी टर्मिनल है, और दिस इज एन टर्मिनल, एंड नाउ योर हेलिक्स इज मूविंग लाइक दिस, ठीक है। तो आपका एन टर्मिनल ऊपर, सी टर्मिनल नीचे हो गया, और ये कौन सा हैंड है, राइट हैंड। तो हेलिक्स कैसा है, राइट हैंडेड है, ध्यान दिया, राइट हैंडेड है, ठीक है ना। राइट हैंड से ऐसे करेंगे और सी टर्मिनल बेस पे है और एन टर्मिनल प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कि अल्फा हेलिक्स जो होता है वो राइट हैंडेड होता है। कैसा होता है भाई, राइट हैंडेड होता है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए सी टर्मिनल ये है और एन टर्मिनल ये। अब जब हेलिक्स ऐसे से घूमता है, ठीक है ना, स्प्रिंग आपने देखा होगा अपने साइकिल स्टैंड में लगी रहती है या कहीं पे भी आपने देखा होगा, ट्रेन के किनारे खड़े रहते हैं जब हम लोग देखते हैं, जो शॉक एब्जॉर्बर की तरह लगी होती है स्प्रिंग, वो भी ऐसे ऐसे होती है। तो वो क्या है, हेलिकल स्ट्रक्चर, एक पर्टिकुलर चीज है वो रिपीट होती है लेकिन प्रोग्रेसिव, है ना। तो एक बार जब ये टर्न होके फिर से उसी जगह पे आ जाएगा उसको बोलते हैं पिच। जैसे देखिए अब आपने यहाँ से स्टार्ट किया और आप घूमते 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 वहीं पे आ गए फिर, ठीक है ना। तो ये एक पिच बोला जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, वन पिच हुआ, यहाँ से यहाँ तक अनदर पिच, यहाँ से यहाँ तक अनदर पिच। तो एक पिच में ये कितनी डिस्टेंस आगे जा रहा है ना, या हम कहें कि पिच की लेंथ कितनी है। तो वो पिच की लेंथ कितनी, विलियम अस्तबुरी ने भी अपने जो उनका जो एक्सरे था उसमें भी लगभग इतना ही प्रपोज, अभी से जब भी पूछा जाए तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा भाई, कहें कि एक पिच में कितने अमाइनो एसिड होंगे, तो 3 पॉइंट कितने होंगे, 3.4 अमाइनो एसिड, ये ध्यान रखिए। ये 3 पॉइंट में जाके वहां जो है आप हेलिक्स की लेंथ में जाके और इसमें नंबर ऑफ अमाइनो, ध्यान रखिएगा दिस इज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड नॉट द लेंथ, वो एंगस्ट्रॉम अमाइनो एसिड, ठीक है ना। तो एक पिच में 3.4 अमाइनो एसिड और लेंथ कितनी हुई, 5.4 एंगस्ट्रॉम। अच्छा अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, चाहे अल्फा हेलिक्स हो चाहे बीटा प्लीटेड सीट हो, वो किसके द्वारा स्टेबलाइज है, हाइड्रोजन बॉन्ड के, है ना। बॉन्ड्स आर वीक बट देयर एक्सटेंट, नंबर बहुत ज्यादा है किसी मॉलिक्यूल में। तो ये 3 से 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक हेलिक्स के एक पिच में हो सकते हैं। अच्छा आर ग्रुप की बात करें, सबसे बड़ा जो फॉरबिडन रोटेशन जो रामाचंद्रन ने प्रपोज किया था वो क्यों था भाई, ड्यू टू आर ग्रुप, बल्कि आर ग्रुप है तो कम रोटेशन था, ठीक है, और स्मॉल आर ग्रुप है तो ज्यादा रोटेशन था, ठीक है। तो यहाँ पे आर ग्रुप जो है वो एक्सिस से बाहर रहेगा, जैसे ये हेलिक्स ऐसे ऐसे हो रहा है ऊपर की तरफ, तो इससे आर ग्रुप बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड रहेगा। तो देखिए यहाँ आर ग्रुप सभी बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड है कि नहीं, ठीक है, एंड स्टेबलाइज बाई हाइड्रोजन बॉन्ड। कभी कभी एग्जाम्स में पूछता है आपसे कि एक अल्फा हेलिक्स है जिसकी लेंथ इतनी है तो आप बताओ अमाइनो एसिड होंगे, या उल्टा क्वेश्चन पूछ ले अमाइनो हेलिक्स बना रहा है तो उसके में कितने
उसका कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसके लिए एक सिंपल सा साइन वेव है। दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारा जो है वो है बीटा प्लीटेड सीट। तो बीटा प्लीटेड सीट क्या है भाई, और बीटा प्लीटेड सीट कैसे स्ट्रक्चर बनाता है? देखिए यहाँ पे कोई हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है, एक चेन है ये, सपोज करिए ये एन टर्मिनल है और ये सी टर्मिनल है, दूसरा है ये एन टर्मिनल है और ये सी टर्मिनल है, दोनों ऐसे हैं। इसके CO ग्रुप का ऑक्सीजन और इसमें NH ग्रुप का हाइड्रोजन, दोनों के बीच क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया, एक प्लीट लाइक स्ट्रक्चर। प्लीट का मतलब होता है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चुनर। ये देखिए एक ये स्ट्रक्चर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है ना, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो ऐसे क्या बन गया, एक सीट बन गया है ना। ये देखिए ये क्या बन गया, एक सीट बन गया, ऐसे ऐसे सीट बनता चला जाएगा। और इनके इनके बीच क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस लेयर के इस लेयर में, इसमें और इसमें, ऐसे। तो अब ये जो है देखिए यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर एक दिखाया गया है, इसमें बहुत ध्यान से किया, तो ये इसका पेप्टाइड बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो यहाँ पे इसका जो NH है इसका हाइड्रोजन, और दूसरी चेन जो दिखाई गई है इधर, इसका ये पेप्टाइड बॉन्ड है तो इसका कार्बोक्सिल, इसके बीच क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह से यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड, और सबसेक्वेंटली जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बने, ठीक है। तो अगर बीटा प्लीटेड सीट में बोले तो यहाँ पैरेलल चेन्स हैं, पैरेलल भी हो सकती हैं एंटी पैरेलल, तो उनको बोलते हैं पैरेलल बीटा प्लीटेड सीट। जैसे दोनों एन टर्मिनल एक साइड में हो गए भाई, दोनों अगर अपोजिट हैं तो एंटी पैरेलल, और इंट्रा चेन एंड इंटर चेन पेप्टाइड के बीच भी हो सकते हैं, एक ही सिंगल पेप्टाइड बार बार फोल्ड करके उसके बीच भी बीटा प्लीटेड सीट बन सकती है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या है, ये इंटर चेन नहीं, एक ही चेन के बीच जो है, तो दोनों एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, है ना। तो पॉसिबल सेकेंडरी स्ट्रक्चर दूसरा हो गया, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपको बनाने भी आने चाहिए, और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। थैंक यू एवरीवन।